सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रह गोचर की स्थिति आपके आज के दिन पर क्या असर डालेगी, जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, उनको भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, लेकिन रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। आज का पंचांग 8 मार्च 2019, दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 1:35 तक रहेगी। तत्पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 11:17 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10 से 12 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12 से 1:05 तक रहेगी। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी। धनु राशि 8 मार्च 2019, दिन शुक्रवार, आज नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों की मेहनत बढ़ सकती है। बिजनेस के लगभग हर पहलू में बदलाव करने वाली ऊर्जाओं का असर होगा। परिवार और प्रियजनों की समस्या सुलझाना आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। दूसरों की मदद करने के मौके आपको मिल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपके लिए खास हो सकती है, लिहाजा कुल मिलाकर आपको थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। समय का आनंद लें। धनु राशि वालों के लिए सावधानियां, किसी बात पर प्रेमी या जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, उसे मनाने के लिए भी आप जतन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, धैर्य रखें, आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं, कुछ वादे अधूरे भी हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ की पुरानी समस्याएं सुलझ सकती है। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, उसे ईमानदारी से अपनी पूरी सोच बता दें। करियर की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ सकता है, कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं। पढ़ाई में किसी चीज की कमी भी महसूस हो सकती है। सब्जेक्ट या फील्ड बदलने का विचार छोड़ दें, जो तनाव है वह गुजर जाएगा। सेहत की बात करें तो ज्यादा तनाव से सिर दर्द रहेगा, इसलिए आराम से काम करें। छोटी परेशानियों से सिर दर्द हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें। यह बस जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप तनाव को कम करने के लिए योग करें। धनु राशि वालों के लिए आज का टिप्स, आज विष्णु मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।